पत्रकार ने जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। जनपद के तकरहे घाट के बगल में स्थित मंदिर पर आज एक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ उमेश कुमार के द्वारा गरीब लोगों को कंबल तथा विधवा औरतों को साड़ी वितरण किया। ककरहे स्थित राम जानकी मंदिर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो चीफ ने बताया कि गरीब असहाय प्रत्येक वर्ष इसी तरह से कंबल वितरण करता हूं और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पूर्व प्रधान ने बताया कि 15 साल तक लगातार प्रधान रहे और सदैव जनता की सेवा की। अब वो अपने लड़के को जनता की सेवा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वहाँ के नगरवासियों ने खुशहाली का माहौल व्याप्त है। जब वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी इसी मंदिर पर पूजा पाठ करने आती थी तथा बगल में स्थित नदी पर स्नान करती थी। पहले इस नदी का नाम कैकेयी नदी से था, अब इसका नाम बदलकर ककरही रख दिया गया। टीवी इंडिया 18 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ अनुपम पांडे, सिद्धार्थनगर। आप लोगों को मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम समाज। क्या इसके पहले इस क्षेत्र में कहीं कंबल उम्बल वितरण हुआ था? नहीं बता। वो बारे नहीं बातें होंगी। तो क्या ये कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए कि ऐसे तो ये सब कैसे चलेगा? चलेगा ना, वही तो मैं करें, कैसे चलेगा? सब सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे। इस बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरा आशीर्वाद। कार्य के कार्यक्रम के साथ साथ जो है ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो कंबल वितरण कार्यक्रम किस प्रयोजन से किया जा रहा है? सर, ये हमारा एक श्रद्धा है, ऐसे हम गरीबों के लिए हर साल करना चाहते हैं। और इसी तरीके से ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, करीब 100 साल पुराने मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे 100 साल पहले कैकेयी जी यहाँ नहाने आती थी, इस मंदिर को पूजा करती थी। इसी के नाते ये मंदिर पहले कैकेयी घाट के नाम पे ये मंदिर था, अभी ककरही घाट जो बना हुआ है ये है। और हमारा ये श्रद्धा है सर कि हर साल ठंडी के मौसम में या कोई भी सेवा हो हमारे ग्राम सभा के लिए, हम हमेशा हर तरीके से ये तैयार रहेंगे हर चीज़ सेवा करने के लिए। ये किस किस क्षेत्रों में जो है ये वितरण किया जा रहा है? ये हमारा ग्राम सभा है, ग्राम ककरही है, इसमें चार ग्राम सभा टूला है, तनजवा है, हीराडी है और महापुरवा है। इस चारों डी में लगभग 1200 लोगों की आबादी है। उन सब लोगों को हम ये पूरा प्रोग्राम अपना जो हमारा कंबल वितरण और ये सब करेंगे। और एक भंडारा आयोजित किए हैं मंदिर के नाम पे, लोग आए यहाँ पे भोजन करें। आप सभी कुछ बोल रहे हो, 15 साल आपका कार्यकाल रहा है, तो 15 सालों में ये आप ये दिमाग में कैसे आया कि हमें कंबल वितरण करना चाहिए और भंडारा का निरंतर चलाना चाहिए? दिमाग ये आया कि मेरे लड़का उसका सोच था कि हम गरीबों में दान करेंगे, इसलिए उसकी मंशा जो है, उसकी जो मंशा क्या है, वो हर साल हर सीजन ठंडी में वितरण करेंगे। इन पिछड़े इलाकों में किन किन लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है? सब में जैसे घर पीछे एक एक घर से एक एक आदमी पूरे परिवार है। क्या इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा भी शामिल लगा कर? मुद्दा नहीं है। ठीक। फिलहाल इस ठंडक के महीने में कैसा महसूस आप कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या ये उचित कार्य है? उचित कार्य अच्छा है। इसके पहले और कोई वितरण किया था? नहीं। क्या इस लड़के को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आशीर्वाद तो है ही भैया। तो क्या ये वितरण का कार्यक्रम हर साल चले? चला था ये साल हो गए। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलिए। सेवा करते हैं।